कुकू, ए कुकू, गुड मॉर्निंग कुकू, क्या कर रहे हो? या लानी, वो चिलिया लानी, where are you going? क्या है इस फ्रिज के अंदर? कहाँ जाएगा अब? वॉशरूम गए पापा, वॉशरूम गए। देख देख, भागो भागो भागो, वो छूट जाएगा वॉशरूम के अंदर। जल्दी जल्दी, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। ओहो, दिस इज क्लाउड वॉशरूम। आज आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है बेटा, हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ मेरा कुका, हाँ मेरी कुकी, हाँ मेरा कुकू। घूमी घूमी चलेंगे, ठीक है ठीक है, चलेगी घूमी घूमी। इस लड़के को देखो, तो खाना नहीं मिला आज, तो खाना नहीं मिला है। चलो पापा खिलाएंगे आज, पापा आज पापा खिलाएंगे। आप पापा को क्या करना आता है? चलो भैया, पापा बोल दो, पापा खिला दो खिला दो। कैसा है कुका? कैसा है? टेस्टी है। तो अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ, जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना कुकू करेगा, ना कुकू का पापा करेगा, ना किसी का पापा करेगा। आज हम कहाँ जाएंगे पंकू? हैप्पी एनिवर्सरी। कहाँ जाएंगे कुकू? हम पार्क में घूमने, वो तो हम रोज घूमते हैं। उसमें चलेंगे किड्स रूम में। किड्स रूम में भी जा चुके हैं, तो आज हम खास लो पहले, तो देखते कुछ ना कुछ तो करेंगे जैसा हर साल करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ करेंगे लगता है आज भी। मजा आया, मॉल चलते हैं। अब हमारे लिए मॉल कितनी बड़ी चीज होगी ना, जैसे गाँव से लोग नहीं आते थे उनके लिए, चलो मॉल चलेंगे। अब हमारे लिए ऐसा हो गया कि मॉल जाना इतना बड़ी बात हो गई है कि, बट अब हमारे पास है 24/7 हाउस हेल्प जॉब, भी पेट भर रही है अपना अच्छे से। उसके बाद ये हमारी हेल्प करेंगी, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे इन्जॉय करने की, है ना कुकू? कुकू कोई मतलब नहीं है, कुकू कह रहा मेरा पेट भर दो बस, मुझे सोना है। चलो मिलते हैं हम ब्रेक के बाद, अभी उठे हैं, ध्यान नहीं दे रहा कोई बाप बेटा पे। से सी यू सून, बाय। कुकू कहाँ देख ले हो पापा के चार, कहाँ देख ले हो पापा के चार? कुकू ता ता ता, पापा बोल दो, पापा नहीं, मम्मा भी नहीं, मम्मा। ओहो हो हो हो, सोनी का टीवी ने लगा रखा है बस इस टेबल से बचाने के लिए। सोनी का टीवी तो अंदर लगा है, ये बाहर का रैपर, घर की हालत ही चेंज हो गई है। पता आपको आपके पापा मुझे आईफोन देने वाले हैं कुकू? Are you joking? कुकू आपको पता है आज आपके घर में आईफोन आने वाला है। Oh. आपका छोटा बेटा, बेटा गरीब भाई कौन गया कुकू, आज पापा को आईफोन देंगे, ठीक है? आज फाइनली पापा से आईफोन लेंगे। Are you interested? Yes, iPhone, iPhone, iPhone. A few moments later. कार्टून के आगे कुछ नहीं, देश के आगे कुछ नहीं। आपको पीनी है कोल्ड ड्रिंक?
पहले कार्टून ये आपकी साइज का लेके आए पापा कुकू आपकी साइज का है ये। हाँ आप बड़ी बड़ी बोतल लेते हो ना। हाँ अब इससे खेलो इससे खेलो। पापा ने आज सर्विसिंग करवा ली है एसी की। और कुछ काम वाम रह गया? एनिवर्सरी तो आती रहती है हर साल है ना। 7 बज गए और हमारा सब प्लान ऐसे धरे के धरे रह गए। हम निकलने वाले हैं दुबई को और वहाँ पे हमारी वहाँ से मैं आईफोन लेकर आऊंगी। कुकू कुकू आपको कोई होश है? ये आपकी मम्मी पापा का एनिवर्सरी है। आपको क्या पता? पैर दिखाओ अपने पैर दिखाओ। ऐसे बैठता है ये ऐसे कर दो ऐसे करेंगे तो पैर इसका ते भी कर देता है फिर ऐसे करके। हाँ हाँ इसका पैर ठीक करना इसके पैरों का स्टाइल ठीक करो। हाँ ये धीरे 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 देखो इसका पैर वही। हाँ 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 पापा 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 बोल दो मम्मा बोलो पहले मम्मा कुकु मम्मा नहीं माफ कर दो कह रहे मैं आपके पैर पड़ता हूँ। फर्स्ट टाइम आया मॉल में और इधर उधर देखने में लगा हुआ है। पीते पीते क्या परेशान हो गई परेशान हो गई मेरा कुका परेशान हो गया है। यहाँ पे हमने इतना लेट कर दिया छाप बंद हो गया कोई टाइम ही नहीं है हमारे पास है ना। और कुका को भी नीनू आने लग रही है। आ रही है नीनू फिर भी मैंने कैसे तैसे थोड़ा बहुत ले ही लिया ना थोड़ा बहुत। A few moments later कहाँ हुआ कहाँ पे बैठी है अभी चली गई कुछ नहीं ये ज़्यादा मैं जेल में बंद हो गया। जेल में बंद हो गई कुकी ना मिला कुका ग्राउंड में ना। हाँ चलो 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 ना 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 आई तो डर रहा है next morning. Hey guys. Hey guys. दिस इज अनदर डे। मैं जस्ट उठी ही हूँ बस चाय वाय पी और फैशन अप हुई हूँ। आज मुझे ऑफिस भी जाना है बाय द वे। सो हमारा हो गया एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई। सही बताऊँ तो टाइम ही नहीं था। एक तो हम गए इतना लेट एक मन तो कह रहा था कि क्या ही जाना बट मैंने कहा चल ठीक है निकलते हैं घर से। शॉपिंग तो मतलब मन ही नहीं लगा शॉपिंग में। क्या होता है ना सर पे जब होता है कि जल्दी जल्दी करना है तो नहीं मन करता। मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है 5-10 मिनट में थोड़ी सी शॉपिंग करी
और ऐसी शॉपिंग मैंने मतलब आज से पहले कभी मैंने 10 मिनट में और 5 मिनट में शॉपिंग ही नहीं करी होगी। मेरी जिंदगी की सबसे जल्दी वाली शॉपिंग थी। तो अलग चीज क्या हुई जो आज तक कभी नहीं हुई कि केक कटिंग नहीं करी हमने। मतलब एक ने मैंने प्लान भी नहीं किया, मुझे लगा वहीं जाके ना कुछ ले लेंगे, पेस्ट्री ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, चोकोलावा ले लेंगे। एक्चुअली हुआ क्या ना, जब हम दिल्ली में गए एंड में खाने पीने के लिए, तो उससे पहले ही कुकू मतलब इतना रोने लग गया था। मतलब क्लिप में आपने देख ही लिया हो ना, हाथ पैर से फूल जाते हैं बच्चा रोता है तो मतलब हमको था कि जल्दी 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 चलते हैं। हमने सोचा शायद वहाँ जाके कुछ खाएगा तो ठीक हो जाएगा। ही वॉज नॉट इन मूड, उसको सोना था, लेट हो रहा था। तो मतलब मेरी हिम्मत नहीं होगी मैं कैमरा उठा के कुछ शूट करूँ। मैंने कहा नहीं यार, मन नहीं हो रहा था। ये जो साल गया है ना, अब कुकू को एक साल होने ही वाला है, इसमें मैंने हार्डली मुझे लगता है किसी फेस्टिवल में इंजॉय किया है। मेरा करवा चौथ भी आपने देखा होगा, अम्मी ने वीडियो बनाई थी, और मेरा बर्थडे मुझे याद ही नहीं था। तो इस साल मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं माँ वाला जो मोड होता ना, मदर मोड पे हूँ, जिसमें अपना कुछ भी नहीं, मतलब हम चाहते भी सोचना ना तो नहीं हो पाता। देखते हैं कब तक ये चलता है। कोई लोग बोलते हैं एक साल तक परेशानी होती है, कोई बोलता है जब तक स्कूल नहीं जाता तब तक होती है। तो लेट्स सी, इंजॉय भी करते हैं हम कुकू के साथ, बहुत मज़ा आता है उसके बिना आप लाइफ सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अच्छा बुरा सब कुछ मतलब चलता रहता है। और अब अपने से ज़्यादा जो प्रायोरिटी है बेबी को देना होता है, तो वो अपने आप ही हो जाता है यू नो। अब मेरे को नींद भी ऐसे आती है, कच्ची कच्ची आती है, दिमाग में बस ये रहता है कि वो गिर तो नहीं गया, क्योंकि अब वो इतना भागने वाला हो गया है। सो या बस छोटी मोटी शॉपिंग करी, मैं सोच दिखाऊँ ना दिखाऊँ, बट मैं ऐसे बैठे बैठे मैं सोचू बस दिखा देती हूँ। ये रोज है रात में पहनने के लिए लाई हूँ, बट इसका कलर बहुत ही अच्छा है। मैं लाई हूँ FBB, पहले था बिग बाजार में FBB था, बट वो बंद हो गया, अब सब मर्ज सा हो गया था। बट कलर बहुत अच्छा है, ब्लू कलर है इसमें, येलो पिंक सब प्रिंट है, एंड फिटिंग इसकी ठीक ठाक है। मतलब सही बताओ तो बिग बाजार में मैं घर के कपड़े ही लेती हूँ। एक मैंने पहन ही रखा है तो मैं खड़ी होकर दिखा देती हूँ ये मैंने कल ही पहन लिया था, क्वार्टर लेंथ है। और इसका भी प्रिंट बड़ा अच्छा है, रेनबो से, मतलब बड़ा मल्टी कलर टाइप का है, तो ये भी अच्छा है घर में पहनने के लिए, सही बहुत बढ़िया है। और इनका प्राइस आई थिंक 350 के अराउंड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, और ये वाली, बट इसका एक माइनस पॉइंट मुझे क्या लगता है कि पूरा ही इलास्टिक है, एक लोअर है ये, इसलिए मैंने ऑफिस के पर्पज से सोच रही थी लेने के लिए, बट लेट्स सी मैं पहन के पहनती हूँ। ऊपर से बिल्कुल ऐसे लूज लूज है, नीचे से हल्का सा इसका श्रिंक सा हो गया है, पूरा ऐसे खुल्ला डुल्ला भी नहीं है। ऊपर से सही है, बहुत ज़्यादा लूज है, और मुझे ऐसा कुछ चाहिए था, गर्मी लग रही थी। सो लेट्स सी मैं इसको कैसे स्टाइल करती हूँ। बट एक कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इसमें ब्लैक वाइट आई थिंक सब चल जाएगा। बट इसका मैंने कल रात को फिटिंग देखी, आई डोंट नो मैं कैसी फिटिंग है, ये उल्टा मुझे अच्छे से आया। इसकी जो इन दोनों में ही वो है पॉकेट है, बट इसकी पॉकेट पीछे की साइड थी ऐसे। What? आप खुद ही देख लो, इसके नाड़ा आगे है ठीक है, और ये पॉकेट जा रही है ऐसे पीछे को। आई डोंट नो ये उल्टा कैसे बन गया, ये भी ऐसे ये खुल्ला डुल्ला। देखती हूँ मैं इसको रिटर्न करवाती हूँ या फिर घर में पहन लेती हूँ, आई डोंट नो। ये आई थिंक 5 इसमें तो है, 699 ये 599 तो दिस इज आई थिंक फार बेटर देन दिस। और एक पंकज ने लिया अपना लोअर, तो वो पहन के सो रहा है तो मैं दिखा नहीं सकती। सो या दिस इज इट, और ऐसे हमारी एनिवर्सरी बनी। पंकज ने मुझे आईफोन भी दे दिया, और हम घूमने हम प्लान कर रहे थे वहाँ पे भी चले गए, और केक कटिंग, एनिवर्सरी बन गई। दिस इज हाउ लाइफ चेंजेस यू नो। एक टाइम था जब ऐसा मन करता था उठ के चले गए कहीं भी, और आज ऐसा टाइम है कि ठीक है जस्ट बी पॉजिटिव, और अच्छे दिन भी आएंगे। ये भी अच्छा टाइम है, बट थोड़ा स्ट्रगलिंग है। एंड अगर आपकी अभी शादी हुई है तो मतलब अपना आराम से 2-3 साल, हमने एक्चुअली वाकई में 2 साल सोचे तो 3-4 साल में हमने प्लान किया है। सो या अपना टाइम लो, शादी इंजॉय करो, और उसके बाद बेबी प्लान करो, पहले बिल्कुल मत करो। अगर आपके पास
मतलब फैमिली के साथ नहीं रहते, न्यूक्लियर रहना है, सब कुछ खुद करना पड़ेगा, सब कुछ सर पे ऐसे पड़ती है ना, मतलब क्या क्या याद आ जाता है. सो यार दैट्स इट. ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कैसी भी सिचुएशन आए, बट आखिरी में मैं और पंकज मतलब खुश होते हैं कि ठीक है, ये टाइम अच्छा है, स्ट्रगलिंग है, हमने बहुत अजीब अजीब टाइम बिताया है साथ में, ये टाइम तो बहुत अच्छा है. सो या अच्छे नोट पे इस व्लॉग को एंड करते हैं. सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. आजकल टाइम नहीं मिलता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे कुछ मौका मिले मैं व्लॉग बना लूँ. सो जस्ट कीप सपोर्टिंग मी और अपना प्यार देते रहिए कुकू पे और हम पे. सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बाय.